हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ करूंगा फिशर्स जेड टेस्ट जो कि स्मॉल टेस्ट का एक पार्ट है अब फिशर्स जेड टेस्ट हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं इससे पहले अगर आपने टी टेस्ट नहीं किया तो फिशर्स का जेड टेस्ट के पीछे जो लॉजिक है वो आपको समझ नहीं आएगा वी यूज तो पीछे जाइए और जो पिछले लिंक्स हैं उस पर क्लिक कीजिए तो वी यूज टी टेस्ट इन केस पॉपुलेशन कोरलेन कॉफिशियंट इज जीरो जब हम टी टेस्ट तब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन कोरलेन कॉफिशियंट जीरो होता है या नॉट इक्वल टू जीरो प्रूव करना होता है बट इफ़ द पॉपुलेशन कॉफिशियंट ऑफ कोरेशन इज अदर देन जीरो मतलब जीरो नहीं है पॉजिटिव नंबर है या कोई नेगेटिव नंबर है वो चीज हमने प्रूव करनी है या हमने प्रूव करना है डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स आपको ये तो पता है है ना की वैल्यू के बीच में आती है। अगर नहीं आती तो प्लीज पहले जाके का चैप्टर पढ़िए फिर ये समझ आएगा ठीक है तो अगर हमने दो डिफरेंट सैंपल्स में से निकालना है कोरलेशन को कंपेयर वगैरह करना है कि इसका इतना आ रहा है उसका इतना आ रहा है तो भी हम फिशर जेड टेस्ट लगाते हैं तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोरलेशन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन कोरलेशन और नॉट मतलब एक सैम्पल कोरलेशन दिया होगा एक पॉपुलेशन कोरलेशन दिया होगा उन दोनों को कंपेयर करना है कि ये सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे अब उसके बाद सॉरी जेड टेस्ट का फॉर्मूला दिया है जेड आर माइनस जेड पी जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे वन पॉइंट वन फाइव वन थ्री लॉग बेस में टेन वन प्लस आर मतलब कोरलेशन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर तो जेड आर तो कोरलेन है अगर मैं यहाँ जेड आर लिख लूँ या जेड एस लिख लूँ एक ही बात होती है और जेड पी का भी यही होगा और स्टैंडर्ड एरर का साइड पे लिखा हुआ है वन ओवर रूट माइनस थ्री तो इसमें बस जब जेड पी निकालेंगे तो स्मॉल आर की जगह पी पी लग जाएगा और कोई फर्क इसमें नहीं है आई होप ये फॉर्मुला आपको समझ आ रहा होगा कई जगह जेड आर लिखा होता है और कई जगह जेड एस ये दोनों के दोनों सैंपल को डिनोट करते हैं ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन इस तरीके से है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दर रिलेशन जीरो पॉइंट फाइव और इस पर फिश का जेड टेस्ट अपलाई करना है तो सबसे पहले जो गिवन चीज है वो मैं लिख लेता हूँ सैम्पल कोर्लेशन पॉइंट फाइव पॉपुलेशन कोरलेशन इज जीरो मैं नल हाइपोथिस बनाता हूँ नल हाइपोथिस

अब मैं आर की वैल्यू पुट कर लेता हूँ इधर जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखनी है अब इसमें आपको लॉग निकालना आना चाहिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको लॉग निकालना सिखा पाऊँ इसमें ठीक है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं वन पॉइंट वन फाइव वन थ्री लॉग बेस में टेन सॉरी <coughs> बोल बोल के गला बैठ जाता है ऊपर वन पॉइंट फाइव आ गया नीचे पॉइंट फाइव आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग बेस में टेन इंटू थ्री अब log 3 कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना बेस में टेन उड़ गया है लिखो ना लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ये बात याद रखना अब देखो ये जो log 3 है इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी चलिए टेबल में चलते हैं और देखते हैं कितनी निकलेगी मैंने टेबल भी यहाँ पेस्ट करके रखा है ये आ गया टेबल अब देखो शुरुआती टेन से हो रही है तो थ्री कहाँ गया थ्री तो आएगा नहीं हम थ्री की जगह थर्टी देखेंगे ठीक है ये बात याद रखना तो हम चलते हैं थर्टी थर्टी के आगे जीरो देखेंगे क्योंकि थ्री के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है तो ये आ गया फोर सेवन सेवन वन जीरो के सामने और थर्टी के सामने फोर सेवन सेवन वन अब ये देखो जो थ्री है थ्री तो एक ही डिजिट है ना एक डिजिट में से हमेशा ऐसे करते हैं जो भी डिजिट है उसमें से एक माइनस करते हैं तो ये तो एक ही डिजिट वन डिजिट दिया हुआ है तो अगर मैं वन डिजिट में से वन माइनस करूँ वन डिजिट में से जो दिया हुआ है उसमें में से वन माइनस करूँ तो ये आ गया जीरो तो हमेशा ये जीरो पॉइंट जो भी वन डिजिट होगा उसका लॉग जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा अगर ये टू डिजिट्स होते तो वन पॉइंट समथिंग समथिंग आता ठीक है तो मैं पिछले पेज पे जाता हूँ और इसकी वैल्यू लिखता हूँ जो भी हमारा लॉग की वैल्यू आई है जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन ठीक है इसको सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट फाइव फोर नाइन चलिए ये तो जेड एस था तो इसी तरीके से हम जेड पी निकालेंगे मतलब पॉपुलेशन वाली चीज निकालेंगे तो पॉपुलेशन में क्या बन जाता है ये बन जाता है जेड पी इज इक्वल्स टू वन पॉइंट वन फाइव वन थ्री लॉग बेस में टेन और जहाँ साइड पे स्मॉल आर लिखा है वहां पे आपने पॉपुलेशन को रिलेशन लिख लेना है पी ठीक है बाकी सारा सेम चल रहा है यह आ जाएगा वन पॉइंट वन फाइव वन थ्री लॉग बेस में टेन इसकी वैल्यूज आपको यहाँ पुट कर देनी है वन प्लस पॉइंट सेवन वन माइनस पॉइंट सेवन यार ये अपडेट ऊपर से एकदम से आ जाते पहले तो वाईफाई ऑफ करो दुखी किया हुआ है वो हर दो दो मिनट में अपडेट आपको पता ही है ठीक है तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं वन पॉइंट वन फाइव वन थ्री लॉग बेस में टेन तो टेन लिखो बेस में ना लिखो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये आ गया ऊपर आ गया वन पॉइंट सेवन नीचे आ गया जीरो पॉइंट थ्री तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वन पॉइंट लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते क्योंकि बाद में इसको जरूर तो पड़ेगी नहीं तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है फाइव पॉइंट सिक्स सेवन अब मैं फाइव पॉइंट सिक्स सेवन का लॉग देखता हूँ और आपको बताता हूँ कितना है टेक्निकली फाइव का तो होता ही नहीं है होता ही नहीं है लॉग क्योंकि टेन से शुरू हो रहा है तो फाइव पॉइंट सिक्स सेवन की जगह हमें फिफ्टी सिक्स देखना पड़ेगा ठीक है तो नेक्स्ट पेज पर पे चलते हैं <coughs> पहले इसको रब कर देता हूँ और यहाँ आपको दिखा रहा हूं कि भाई फाइव से तो शुरू ही नहीं हो रहा तो फाइव पॉइंट सिक्स सेवन फाइव पॉइंट सिक्स सेवन का मैं देखूंगा ये तो फिफ्टी तक है तो चलिए 5.67 का मुझे क्या करना है 56 का सेवन देखना है ठीक है तो ये फर्स्ट टू नंबर है 56 उसके सामने सेवन देखना है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं वहां पे मैंने फिफ्टी uh, का सेवन देखते हैं फिफ्टी आ गया ये नंबर और इसके सामने इसके सामने जो सेवन्थ आइटम है अगर यहां से चले तो ये आ गई ठीक है सेवन फाइव थ्री सिक्स सेवन फाइव थ्री सिक्स अब पॉइंट से पहले तो वन डिजिट है ना तो वन डिजिट में से वन माइनस करो तो जीरो ही आएगा तो इसलिए इसका आंसर जीरो पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है ये बात हमेशा याद रखना जीरो पॉइंट सेवन फाइव थ्री सिक्स तो अब हम यही वैल्यू जाते हैं और उधर प्लॉट करते हैं <coughs> तो यहाँ पे आ गया जो आया था हमारा पीछे जीरो पॉइंट सेवन फाइव थ्री सिक्स अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट एट सिक्स एट तो हमारे पास जेड एस और जेड पी की वैल्यू है वैल्यू तो है ही है चलो अब इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूले में डाल देते हैं जेड टेस्ट के जेड टेस्ट का क्या फार्मूला है जेड एस माइनस जेड पी मतलब सैंपल आगे और पॉपुलेशन पीछे हमारा हमेशा टेस्टिंग के यही फार्मूले होते हैं सैंपल आगे पॉपुलेशन पीछे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर उसका फॉर्मुला था वन ओवर अंडर रूट एंड माइनस थ्री तो इनकी वैल्यू सिंपली मैं पुट कर लेता हूँ सिंपल तरीके से डिवाइडेड बाय ओवर अंडर रूट नंबर ऑफ आइटम्स थी 19 3. इसको सॉल्व करके सपोज हमारे आगे क्वेश्चन आ गया वन पॉइंट टू सेवन सिक्स ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखें ये हमेशा पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि जेड एस छोटा था जेड पी बड़ा था फिर भी फिर भी नेगेटिव नहीं आया क्यों क्योंकि जितने भी टेस्टिंग ऑफ आइपोथीसिस हैं उसमें जो आंसर आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में आते हैं कई बुक्स में सीधा ही लिखा होता है कि ये मॉड्यूलस है तो मॉडलर्स भी लिख सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो कि भाई इसका पॉजिटिव आ गया ठीक है अब आप देखें जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन जेड की टी वैल्यू टी मतलब टेबल वैल्यू कैसे जेड की टेबल वैल्यू फाइव परसेंट पे क्या आती है वन पॉइंट नाइन सिक्स ठीक है तो वन पॉइंट नाइन सिक्स अगर आपने जेड टेस्ट किया है तो ये आपको पता होगा अगर नहीं किया है, तो आप प्लीज पहले जेड टेस्ट कीजिए जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी लिंक में <coughs> <coughs> बोल बोल के गला बैठ चुका है मेरा अब तो इसमें क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू कम है और टेबल वैल्यू जो है वो ज्यादा है <coughs> तो हम क्या करेंगे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और नल हाइपोथेसिस क्या कहते थे कि इसकी जो पॉपुलेशन को है वो पॉइंट सेवन है तो मैं लिख लेता हूँ वी एक्सेप्ट एच जीरो मतलब नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट पी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी ठीक है अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ पहले पार्ट में हमने क्या किया था सैंपल और पॉपुलेशन दो चीज़ें हमें दी हुई थी नेक्स्ट में हमें क्या है हमें दो सैंपल्स दिए होंगे हमें वो देखना है कि वो दो सैंपल्स बराबर हैं या बराबर नहीं है इज देर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस उन दोनों में कोई डिफरेंस है सैंपल्स में फार्मूला सेम है बस इसमें जेड एस और जेड पी की जगह जेड वन जेड टू आ गए हैं और स्टैंडर्ड एरर में अंडर रूट में एक और एन आ गया क्योंकि दो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे ठीक है तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं और जेड का फॉर्मूला भी सेम टू सेम है ठीक है तो ये सारे के सारे फॉर्मूले थे अब मैं एक क्वेश्चन पे जाता हूँ ये क्वेश्चन है फॉलोइंग डेटा ऑफ 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 गिव साइजेस एंड टेस्ट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन सैम्पल कोरलेशन यूजिंग जेड टेस्ट इसमें सैंपल साइज एन वन एंड टू ये वाले होंगे और कोरलेशन वन कोरलेशन टू ये वाले हो गए तो चलिए इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं और जेड वन एंड जेड टू की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखूंगा नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हमें बताते हैं हम कह देते हैं कि भाई दोनों के दोनों में कोई फर्क नहीं है दोनों के दोनों को रिलेशन बराबर है ऑल्टरनेटिव में क्या देते हैं नॉट इक्वल टू तो इसमें लिख लेते हैं नॉट इक्वल टू पी वन नॉट इक्वल टू पी टू ठीक है तो सबसे पहले आप आगे चलें और z1 की वैल्यू निकालें z1 की वैल्यू वही 1.1513 log बेस में 10 और ये आ जाएगा 1 प्लस आर, आर टू दो हैं है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं log, बेस में 10, और फर्स्ट का को रिलेशन था जीरो पॉइंट एट सेवन डिवाइडेड बाय माइनस इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ आ गया लॉग बेस में टेन और ऊपर आ गया वन पॉइंट एट सेवन और नीचे सॉल्व करके पॉइंट वन थ्री इसको ओवरऑल सॉल्व करके मैं लिख लेता हूँ ओवरऑल सॉल्व करके आया ये फोर्टीन पॉइंट थ्री एट फोर ठीक है अब मैं फोर्टीन पॉइंट थ्री एट फोर की वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा लॉग में तो ये आ गया वन पॉइंट वन फाइव वन थ्री ठीक है इसका लॉग निकालते हैं चलिए चलते हैं फोर्टीन पॉइंट थ्री एट तो इसमें हम चलते हैं पहले वाले टेबल में हमारा पहला टेबल जो है इसको रब कर देते हैं अब देखो फोर्टीन पॉइंट मैंने कितने निकाली है फोरटीन पॉइंट थ्री एट ठीक है तो इसमें सबसे पहले देखो फोर्टीन कहाँ पे फोर्टीन के सामने थ्री फोर्टीन के सामने थ्री एट निकालना ना तो फोर्टीन के सामने थ्री ये नंबर है मैं साइड पे लिख लेता हूं और इसके बाद एट नंबर ये वाला है और इसमें ट्वेंटी फोर एड करना है मुझे तो सबसे पहले ये नंबर है वन फाइव फाइव थ्री और इसमें ट्वेंटी फोर एड करेंगे तो ये कितना आ गया वन फाइव सेवन सेवन ठीक है तो हमारा ये निकल जाएगा अब फोर्टीन था ना फोर्टीन के हैं टू टू डिजिट्स है ना टू डिजिट्स में से वन डिजिट जितने भी होते हैं डिजिट्स उसमें से वन माइनस करना होता है तो अगर इसमें से टू में से वन माइनस करेंगे तो आंसर वन पॉइंट समथिंग ही आएगा तो ये मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको लॉग निकालने का और भी कई तरीके हो सकते हैं मगर मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जो भी आया है इसका लॉग वन पॉइंट ब्रैकेट में वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट वन फाइव सेवन सेवन ठीक है इसको करके लिखता हूं, तो आ जाता है वैल्यू तो तो पुट करूंगा मैं स्टेप बाई स्टेप सारा काम करूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो क्योंकि वीडियो सिर्फ सिक्सटीन सेवनटीन मिनट्स की है और इस सिक्सटीन सेवनटीन मिनट्स में आपको पूरा का पूरा जेड टेस्ट आ जाए सिर्फ सेवनटीन मिनट्स में अंडर ट्वेंटी मिनट्स में तो और क्या चाहिए आपको खुद सोचो और आपको खुदाई चाहिए <laughs> इतना छोटे मतलब छोटे टर्म्स में मैंने एकदम से समझा दिया ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे ऊपर प्लस और नीचे माइनस करके इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है थ्री पॉइंट फाइव फोर फाइव ठीक है तो अब इसको अगर हम लॉग निकाले थ्री पॉइंट तो चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे इसका लॉग निकालने की कोशिश करते हैं उससे पहले जो हमने पहले गंद मचाया हुआ है उसको साफ करेंगे ठीक है तो सफाई करते हैं पहले और लिखते हैं यहाँ पे कि आपको चाहिए थ्री पॉइंट फाइव फोर अब ध्यान से देखें थ्री थ्री से तो शुरू नहीं होता तो हमें क्या करना है थर्टी फाइव लेना है थर्टी फाइव के सामने फोर तो ये आ गया थर्टी फाइव थर्टी फाइव के सामने सबसे पहले फोर देखें फोर आ जा, आ रहा है यहाँ पे ये वाला नंबर फाइव फोर नाइन जीरो नाइन जीरो और उसके बाद फाइव है ये वाला फाइव फाइव के सामने अगर देखें तो ये नंबर कितना आ रहा है फाइव के सामने फाइव के सामने आ रहा है सिक्स ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं सिक्स ऐड करूंगा तो कितने हुए जो भी लास्ट वाला नंबर होता है उसके नंबर ऐड करने होते हैं फाइव फोर नाइन सिक्स अब ये थ्री है ना एक डिजिट है तो आंसर आपको पता है जीरो पॉइंट समथिंग में ही आएगा क्योंकि एक डिजिट जो भी डिजिट होता है उसमें से वन माइनस करना होता है तो ये आ गया जीरो पॉइंट फाइव फोर नाइन सिक्स तो अब ये वैल्यू मैं इधर डाल देता हूँ ये वैल्यू मैं इस साइड पर डाल देता हूँ इसको जूमआउट करता हूँ पहले वन पॉइंट वन फाइव वन थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव फोर नाइन फाइव नाइन फाइव नाइन सिक्स एक ही बात है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम ही निकलेंगी ठीक है तो नाइन फाइव कर लेते हैं राउंड फिगर्स आ जाएगा ठीक है अब जेड का फॉर्मूला क्या था जेड का फॉर्मला था जेड वन माइनस जेड टू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर का क्या फार्मूला था यही वाला फॉर्मला था ना वन ओवर एन वन माइनस थ्री एन टू माइनस थ्री ठीक है तो सीधे पुट कर सकते हो तो इसमें मैंने मतलब जेड वन और जेड टू की वैल्यू लिख ली अब मैं ऐसे करता हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ ठीक है वो फार्मूला लिखूंगा तो फिर आपको मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी तो यहाँ पे मैं एन वन एन टू लिख लेता हूँ और अगले स्टेप में एन वन एन टू की वैल्यू डालता हूँ ठीक है तो यहाँ पे क्या था एन वन हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ आइटम्स लिख लेता हूँ यहाँ थे फाइव माइनस थ्री प्लस सेकेंड नंबर ऑफ आइटम्स थी हमारी ट्वेल्व माइनस थ्री तो पहले में मैंने फार्मूला लिख लिया नेक्स्ट में मैंने नंबर डाल लिए तो अब मैं क्या करता हूँ इनको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये आ गया अंडर रूट जीरो पॉइंट सिक्स वन इसको सॉल्व करके आ गया जीरो पॉइंट नाइन तो अगर आप देखेंगे ये हमारा पूरा का पूरा z की वैल्यू आ गई और z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो पॉइंट नाइन है और जो टेबल वैल्यू है वो पता है फाइव परसेंट पे वन पॉइंट नाइन सिक्स होती है तो वो ज्यादा आ रही है तो इस केस में वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये कंक्लूड करेंगे एंड कंक्लूड दैट कि दो जो दोनों के दोनों सैम्पल को रिलेशन है उसमें कोई फर्क नहीं है क्लूड दैट uh, जो भी कोरिलेशन थे दोनों के दोनों वो बराबर हैं और उनमें कोई फर्क नहीं है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथिस था पी वन पी टू की बात कर रहा था तो वो दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं उससे ठीक है वो दोनों के दोनों उससे बराबर आ रहे हैं ठीक है तो अब ये जो नल हाइपोथिस था ये एक्सेप्ट करेंगे ना हम तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट करते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं ऑल्टरनेटिव को अगर आपको ये सारा कुछ समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स एंड लाइक्स देख के मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ टेक केयर हैव नाइस डे